सरकार की ओर से बार बार सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा जा रहा है कि पारदर्शिता में कहीं भी कोई कमी नहीं है और 2016 के बाद से ही जब जब सवाल उठे सरकार की ओर से यही पक्ष सामने रखा गया, लेकिन बावजूद आप लोगों को आखिर ऐसा क्यों लगता है कि जेपीसी जांच बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है इस पूरे के पूरे मामले में सच सामने लाने के लिए? अतुल अंजान जी। चित्रा जी, बड़ी विनम्रता से आपसे कहना चाहता हूं कि आपके इस दंगल में, नाम तो दंगल है लेकिन चर्चा बड़े मंगलपूर्ण स्थिति में होनी चाहिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप शब्दों का प्रयोग, एक प्रकार से गाली गलौज का प्रयोग, ऐसा करने से अच्छा नहीं है। ऐसा कोई नहीं समझे कि दूसरा नहीं जानता है या दूसरे लोग इस तरह के शब्द का प्रयोग नहीं जानते, हम भी कर सकते हैं लेकिन इससे बचने की जरूरत है। प्रश्न ये है कि जो अभी सवाल उठा है जी, कि अगर ये बहुत देश हित में है और देश के लिए है, और कौन कौन एयर चीफ ने भी ये कहा, वो चीफ ने कहा, उस जमाने में फोर्स में भी सारे लोगों ने यही कहा था, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने और दूसरे तमाम लोगों ने कहा था वो फोर्स बहुत अच्छी है, लेकिन बावजूद के जेपीसी हुई थी ना, और उसके बाद सब कुछ करने के बाद क्या निकला? कुछ नहीं निकला। बहुत बड़े बड़े लोग थे, और ये कहना उसके अंदर जेपीसी के अंदर बड़े बड़े लोग थे, मेंबर विपक्ष के बड़े बड़े नेता थे और बहुत सारी बातें हुई थी, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहता हूँ शंका का स्थिति अगर पैदा हो तो उसे दूर करना चाहिए। जहां तक न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायपालिका, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ जिस किसी में हिम्मत हो मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर देनी चाहिए। ये अगर सुप्रीम कोर्ट जनभावना और सच्चाई को किनारे दरकिनार रख करके फैसले देते हैं और रंजन गोगोई जैसे चीफ जस्टिस बनते हैं तो इस देश की सर्वोच्च न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न चिन्ह जनमानस पे खड़े हो जाते हैं। इसलिए सर्वोच्च न्यायपालिका के तमाम जजों को मैं ये कहना चाहता हूँ, न्यायपालिका को न्याय देने का पूरा अधिकार है, लेकिन उसे यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि न्याय देते वक्त उसके न्याय को लोग न्यायप्रिय समझें। और मैं चुनौती के साथ इस बात के लिए करता हूँ, मैं भी कुछ लॉ पढ़ा हुआ, मैंने भी लॉ पढ़ा है और मैंने भी LLM किया है, मैं समझ रहा हूँ, और इस देश के अंदर जो न्यायपालिका के अंदर चल रहा है वो अभी सब लोग देख रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद हटाइए इन सब बातों को, न्यायपालिका सर्वोच्च है, उसका आदर है, उसको मानते हैं, लेकिन अगर फ्रांस में चल रहा है और फ्रांस की न्यायपालिका में अगर ये बहस उठ रहे हैं तो उठे हुए बहसों का जवाब तो दिया जाना चाहिए। मैं सवाल पूछता हूँ, HAL जिसका एक शानदार रिकॉर्ड था उसको डाल करके एक ऐसे आदमी जिसको जेल में भर्ती किया जा रहा था और उसके बाद घर पर पुलिस पहुंच गई और 400-450 करोड़ रुपया दे नहीं पा रहा था, और तब उसकी माँ ने अपील की अपने बड़े बेटे से कि इसे बचा लो जेल जाने से, आज उसको आपने देश की सुरक्षा का इंतजाम दे दिया। अरे ये कैसे समझ में आएगा कि जिसके पास 51 रुपए की जिम्मेदारी किसी के पास और 49% की जिम्मेदारी किसी के पास और 51% वाला भारी और उसकी योगदान कितना है? $10 मिलियन। तो ये जो सब स्थितियां हैं, इन स्थितियों से संदेह पैदा होता है, और मेरा निवेदन इतना है प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से भी निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी आपको जनता के सामने जवाब देना पड़ेगा सच क्या है राफेल के सिलसिले में, और बेहतर होगा कि जेपीसी की एक नहीं कांग्रेस पार्टी की सरकारों में दसियों जेपीसी बनी है। हाँ। अटल जी के कहने पर, विपक्ष के कहने पर, गुरदास दास गुप्ता जी के कहने पर, इसलिए इंद्रजीत गुप्ता जी के कहने पर, तो आपको भी विपक्ष के कहने पर जेपीसी से ये कि हमको धनवा जी ने कह दिया, मनवा जी ने कह दिया।